हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है। आज मैं आप लोग का शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर सा वेडिंग बन हेयर स्टाइल। पार्टी में, शादी में आप बन बना सकते हो। इस तरीके के छोटे बाल हैं तो भी बना सकते हो। और इससे पहले मैंने लंबे बालों के लिए भी हेयर स्टाइल शेयर की है, और कल मैंने शेयर किया था कि एक रबर बैंड से तीन ब्यूटीफुल ईजी हेयर स्टाइल। तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो और सेकंड चैनल सिलाई कोर्स प्रीति वाली, जिस पर मैं अमेजिंग ब्लाउज की डिज़ाइंस लेकर आने वाली हूँ, तो आप उस चैनल पे भी जरूर जाइएगा। और वहाँ पे आपको अमेजिंग ब्लाउज डिज़ाइंस मिलते रहेंगी। और प्लीज़ उस चैनल पे भी सपोर्ट कीजिएगा। इंस्टा आईडी प्रीति वाई 24 है, वहाँ पे आपको मेरी रील्स वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर भी जाके देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ्रंट का हेयर स्टाइल बनाएंगे अपना। फ्रंट का जो हेयर स्टाइल है, मेरे फेस पर थोड़ा सा पफ का लुक अच्छा लगता है। थोड़ा सा लाइटनिंग ज़्यादा हो गई थी, कम कर दिया। अब यहाँ से इस तरीके से मैंने सेंटर पार्टिंग ली है। यहाँ से हेयर का छोटा सा सेक्शन लेंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे। ओके, इस तरीके से लेने के बाद से इसको थोड़ा कॉम कर लेंगे। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, आपसे पफ नहीं बन पाता है, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से सेक्शन लेने के बाद से हेयर का छोटा सा सेक्शन लेने के बाद से एक ये क्लिप ले लोगे इस तरीके से, और जो आपका हेयर है इसमें लगा दोगे। ओके, इस तरीके से कुछ क्लिप को लगा के उसके बाद ऊपर की तरफ इस तरीके से पुल करते हुए, और फिर इसको क्लिप को अपने बालों में अटैच करोगे। फिर आपका जो पफ है वो बहुत ईजिली बन जाएगा। और फिर इसके बाद एक और क्लिप लेके और इसको लगा दीजिए। ओके, देखा कितनी आसानी से आपका पफ बन गया यहाँ पे। ओके, आप चाहो तो एक क्लिप और इस साइड में ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर जो आपका हेयर है, आप चाहो तो सेंटर पार्टिंग भी रख सकते हो, चाहो तो साइड पार्टिंग भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे साइड पार्टिंग कर दी है इस तरीके से। साइड पार्टिंग करने के बाद से आपको बालों का एक छोटा छोटा सेक्शन लेना है, ट्विस्ट करना है, फिर से सेकेंड सेक्शन लेना है और ट्विस्ट करना है। ऐसे ही एंड तक पूरा ट्विस्ट करते जाइए, और जब आप ट्विस्ट कर रहे हो तो साथ साथ में ही इसको खींचते जाइएगा, जिससे कि आपका जो ट्विस्टिंग है वो अच्छा दिखे। ओके, इस तरीके से देखिए कितना अच्छा सा दिख रहा है लुक इसका। तो पफ के चारों तरफ इस तरीके से लेते जाएंगे और इसको खींचते जाएंगे। ओके, और जहाँ पे आपने क्लिप लगाया है वहाँ तक इसको लेके जाएंगे और यहाँ पे क्लिप से सेट कर देंगे। और जो फ्रंट के हेयर है वो मैं ऐसे ही छोड़ूंगी। अगर आप शादी पार्टी में जा रहे हो तो आपका फेस अगर बहुत बड़ा है, या फिर चौकोर में है, या फिर बहुत जैसे राउंड फेस में है, तो आप इस तरीके से छोड़ सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखेगा। अब जो सेकंड साइड के हेयर हैं उनके लिए आपको क्या करना है, दूसरी साइड में हेयर है उनको भी इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। इसको भी हल्का हल्का हाथों से खींच लेना है, ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे। बहुत ही इजीली आप बना लोगे, और इसको कोई भी बना सकता है, बहुत आसान है। अब इसको पुल करते हुए यहाँ पे भी एक क्लिप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिप लगा दिया। आप चाहो तो ये लेयर्स छोड़ सकते हो, और चाहो तो पीछे लेके जा सकते हो। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा लेयर छोड़ रही हूँ, बाकी पीछे लेके जाती हूँ हेयर को। ओके, इसी तरीके से जो आपने फर्स्ट ट्विस्टिंग की थी उसी के साथ साथ में दूसरा ट्विस्टिंग करेंगे, और बैक में ले जाके यहाँ पे भी एक क्लिप ऐड कर देंगे। ये मैं बहुत सुंदर सा बन बता रही हूँ, जो कि शादी में, पार्टी में आप बना सकते हो। इस साइड के हेयर मैंने ऐसे ही छोड़े, बाकी सारे हेयर्स को लेंगे।
ओके, इस तरीके से लेयर निकाल के अच्छे से कॉम करेंगे। ना ज़्यादा लो और ना ही ज़्यादा हाई, एक रबर बैंड लगा देंगे। पतले हल्के बालों में भी बहुत सुंदर लगेगा ये। मेरे भी बाल देखने में वॉल्यूम लगते हैं, बट इतने ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है मेरे बालों में, मेरे भी बाल हल्के ही हैं। तो आप इस तरीके से बना के एक डोनेट यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने ये डोनेट लिया है, इसको सिंपली मैं इस तरीके से बालों के अंदर इस तरीके से पोनी के ऊपर से लगा दूँगी और एक यू पिन से इसको सिक्योर कर लूँगी। ओके, इसके बाद से बालों को इस तरीके से हाफ हाफ पार्ट में बांटेंगे और एक और रबड़ बैंड इसके ऊपर से लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजीली आप सेल्फ पार्टी शादी के लिए बना सकते हो। ओके, उसके बाद से जो आपके साइड के हेयर बचे हुए हैं इनको ट्विस्ट करने हैं। थोड़े थोड़े लेयर्स लेके ट्विस्ट करते जाइए। ट्विस्ट करते करते पूरा जो आपका बन है उसके चारों तरफ से लगा दीजिए। और यू पिन से सेट कर दीजिए। और ये आपका पार्टी वेडिंग बन बहुत सुंदर सा इजी सा सेल्फ वेडिंग बन बन के रेडी हो चुका है। और इसको आप कोई भी शादी पार्टी है, गाउन ड्रेस है, साड़ी है, लहंगा है, एनी टाइप जो भी इंडियन वेयर होते हैं उन पे आप बना सकते हो, बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो ये मेरा बन बन के रेडी हो चुका है। और आप चाहो तो इसके साथ गजरा लगा सकते हो, चाहो तो इसके साथ कोई भी जैसे हेयर सजाने वाली चीज़ें आती हैं वो ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपनी डमी का इयररिंग्स लेके सेंटर में यहाँ पे ऐड करूँगी। ओके, और इसके साइड साइड में स्टोन्स वाले यू पिन लेंगे और इसे लगा देंगे ताकि अच्छा सा लुक आए हेयर स्टाइल का। वेडिंग बन है तो आप ये जरूर लगाइएगा। ओके, तो ये है बन का फाइनल लुक। फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक है। आप चाहो तो ये कर्ल्स भी कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो और बैक में ले जाके इस तरीके से रख भी सकते हो। इसके साथ आप बड़ी बड़ी बालियाँ पहनो, इयररिंग्स पहनो, काफ़ी अच्छे लगेंगे। और कोई भी आपका शादी पार्टी का जो भी ड्रेस आप यूज कर पहन रहे हो उस पर ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपको कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके के इजी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।